देखिए, ये महागठबंधन में अच्छा है कि इनोवेशन का वातावरण है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद जी, और वे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है इस सरकार के में, जो पार्टियां शामिल हैं उसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उनका ओपिनियन है और उस ओपिनियन में दम भी है, विचार करना सरकार का काम है। मैं समझता हूँ कि जो 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई थी, आपको याद होगा, हाँ, लालू जी के समय, उन शिक्षकों के कहते हैं लोग, मैं पब्लिक ओपिनियन बता रहा हूँ, कहते हैं कि उन्हीं की बदौलत अभी विद्यालय चल रहे हैं। बाकी सारे शिक्षक उसमें मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो चल रहा है वो उसी की बदौलत। इसका मतलब है कि उस प्रोसेस में गुणवत्ता का अच्छा चयन किया गया। तो क्या हर्ज है उसको उस एक्सपेरिमेंट को, मतलब ऐसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है, और हो और मैंने सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोग उस पर निश्चित रूप से विचार कर सकते हैं। क्या जब कोई अच्छी चीज़ निकालनी है तो 5 ओपिनियन आता है, तो उसमें से बेस्ट ओपिनियन जो होता है टेस्ट है ना, उसको देख के वे किया जाता है। उनका तो यह भी कहना है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, लालू जी का, कि चयन के बाद जो ट्रेनिंग नहीं की है वो कर ले सकते हैं। क्या इसमें इस बात को आप झुठला सकते हैं कि बहुत सारे बीएड कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाई, मतलब उसकी शिकायत होती रही? तो क्या यहाँ पर, तो ये संवेदनशील मामला है, हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है कि बच्चों को हम किस गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे संवेदनशील इशू पे निश्चित रूप से एक जो टेस्टेड प्रोसेस रहा है उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया भी जा सकता है, सरकार उस पर विचार कर सकती है।